आईपीएल 2018 के क्वालिफायर मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने हैदराबाद को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चेन्नई के कप्तान एमएस धोनी ने इस अहम मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, जिसे उनकी टीम के गेंदबाजों ने सही साबित किया और हैदराबाद को 20 ओवर में मात्र 139 रनों पर ही रोक दिया। 140 रनों के आसान से लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही, जब वॉटसन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और हैदराबाद के गेंदबाज उसके बाद चेन्नई पर हावी हो गए। सिद्धार्थ कौल और राशिद खान ने दो दो विकेट चटकाकर चेन्नई के मिडिल ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। उसके बाद पारी की शुरुआत करने उतरे फाफ डु प्लेसी ने हैदराबाद की शानदार गेंदबाजी पर पानी फेरते हुए कमाल की पारी खेली, जहां एक तरफ चेन्नई के लगातार विकेट्स गिर रहे थे, वहीं डु प्लेसिस एक छोर पर डटे रहे और 42 गेंदों पर 67 रनों की शानदार पारी खेलकर उन्होंने चेन्नई को फाइनल में पहुंचाया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आईपीएल और क्रिकेट के ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए।